न्यूज़रूम लाइव को स्वागत करछी। मद दोकानी को आईआईसी को अनुकंपा, जो माने मद दोकान करबा को विरोध करुछंती सेमानंक नारे थाना रे मामला दायर करबा पई दोकान मालिक मानंकु आईआईसी अनुरोध करुछंती। एभली घटना संबलपुर रे देखबा को मिलिछि। जो घटना होछि जे एने मध्ये एक आईआईसी को वीडियो टी वायरल होछि, जो वीडियो रे आईआईसी मद दोकानी मालिक मानंकु अनुरोध करुछंती जे जो माने मद दोकान को विरोध करुछंती सेमानंक नारे ओलोटा थाना रे एफआईआर दबा पई। एठी प्रश्न उठुछि जे आईआईसी कर मद दोकानी मालिक मानंक पई एते अनुकंपा काहे कि या पछरे केउठिना केउठि पीसी रो कथा सामना को आसुछि कि कारण एथिरु कोन फायदा पाइबे आईआईसी। कथा होछि जे संबलपुर हीराकुद रो 11 नंबर वार्ड झांकर पड़ा रे मद दोकान खोलिबा को विरोध करिछंती अनेक आंदोलनकारी, जो माने कि 17 दिन हब गण धारणा रे बसिछंती। समय रे हीराकुद आईआईसी जे रहिछंती चित्तरंजन नायक, तांकर एक वीडियो वायरल होछि जे जो माने मद को विरोध करके गणधारणा रे बसिछंती सेमानक नारे मामला दायर करबा पई आईआईसी उस्काउछंती मद दोकानी मालिक मानको। ते बाबद रे आलोचना करबा मळे आम सहित सीधा सुख जुड़ी होछंती एवं तांको सहित गणधारणा रे बसिथिबा आंदोलनकारी माने मध्ये रहिछंती। पूरा आलोचना करबा सीधा सुख भाबरे मळे, खास करी जो माने मद दोकान को विरोध करुछंती, जदि मद दोकान हुए वास्तविक सेठे कौन असुविधा सब उपजीव एवं क्यों कारण प्रमुख कारण गुड़िक रही जो मैंने मद दोकान करने को सेठे विरोध कर। निश्चित पक्ष चिन्मय देखो पखापाखि दीर्घ दिन हम ये हीराकुद झाकरपड़ावासी बर्तमान समय यही 11 नंबर वार्ड अंचल धारणा बैठे आप देखते चित्र देखिए बर्तमान समय आपको ये हूँ हीराकुद 11 नंबर वार्ड बा झाकरपड़ा अंचल ये मद दुकान आगू टाउन भितर थी हीराकुद सहर भितर थी कितु एवं जितेबाला जहाँ निष्पत्ति निगला झाकरपड़ा अंचल में मद दुकान खोल विदेशी मद दुकान या विरोध करके प्रथम कर स्थानीय थाना अभियोग कले परवर्त समय जिलापाल आरडीसी एसपी कमिश्नर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी पाखक गले कहीं तथापि कथा शुणिले जहाँ को वर्तमान समय वर्तमान समय जो मद दुकान खोला है निष्पत्ति निया से ही सम्मुखें बर्तमान समय पाखापाखि दीर्घ दिन हम वरिष्ठ नागरिक मैंने बर्तमान समय धारणा देखते सहसल किसी अच्छा जो मैंने वरिष्ठ नागरिक प्रतिक्रिया ना तर दाबी कौन रही जहाँकि दीर्घ दिन धरिक जितने धारणा देखते आज्ञा देखीचु मद दोकान को लेकिन बर्तमान समय आप विरोध कर कौन मुख्यतः आप दाबी रही मद दोकान न खोल केमती मद दोकान खोलने आम ये कलोनी के असुविधा हे तेणु मद दोकान बंद करवा दरकार स्थानातर आम दरकार मद दोकान बंद नहीं आउ टिके आकु जाइगरी कोने कउची करू देखु छ शिक्षास्थल रहछि मंदिर रहछि हां इन पाखे बंध रहला स्कूल रहला मंदिर रहला तेनु करी आमे प्रोटेस्ट करछु जे आउ टिके आकु से जाइगरी करू आमे गवर्नमेंट रो फाइनेंस को आमे ओपोज नै करबा कि मद दुकान को ओपोज नै करबा खाली प्लेस को ओपोज करू। निश्चित बाप रे मळे खूब सुंदर कथा से कहिले जे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे कोनोसी बाधा सृष्टि करबा पई चाहु नाती से माने चाहु छंती जे मद दोकान ये जगह रे नहि अन्यत्र अन्य कोनसे स्थान रे हो कारण जो स्थान रे करा जबा पई निष्पत्ति निया जाय छी से स्थान रे शिक्षानुष्ठान रही छी मंदिर रही छी एवं आखा पाखर लोक माने बेस भाबरे से अंचल रे बा जिबा आसीबा करंती सेठा रे बसा उठा करंती आ जेउथि पई कि यार गुटे कुप प्रभाव ये सोसाइटी उपरे पड़िबो सेथि पई से माने विरोध करूछंती जे अन्यत्र केउथि निष्पत्ति निया जाउ मद दोकान करबा पई। तबे मळे से मानकर प्रतिक्रिया नबा आज जे वर्तमान ये निष्पत्ति को से माने विरोध करिछंती ये बाबद रे से माने का सहित आलोचना करिछंती कि ब्लॉक प्रशासन कथा कोंतु जिला प्रशासन अबकारी विभाग ए माने इनको सहित ए माने आलोचना करिछंती कि ए बाबद रे निश्चित पके चिन्मय आ किछि लोकन को मध्ये प्रतिक्रिया नबा आमे देखिछु पाखा पाखे दीर्घ दिन धरि कि जेतले धारणा चलिछि आ देखिछु जे वर्तमान समय आपण देखंतु ये हूँ से स्थान जो जगार मद दुकान खोल जाए निष्पत्ति नहीं देखुवे जो स्टल रही स्टल हूँ मद दुकान खोल 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 निष्पत्ति जगह आउ कि लोकों प्रतिक्रिया ना पचार आज्ञा आप पूर्व क्या क्या पाखक गले प्रथम तो थाना अभियोग कले आम अबकारी विभाग को जाइलु डीआईजी डीआईजी पाक जाइलु सीनियर सिटीजन आम समस्ते जाइए समस्ते जा कम्प्लेनटा दे कर आई आ बाकी आपणकर सीनियर सिटीजन अच्छे नु लाइव नहीं जी आज्ञा आप जितकी मद दुकान को विरोध करके मद दुकान स्थापन न करने आप क्या क्या पाखक जाइए हाँ आम कलेक्टर इनचार्ज अच्छे डीआरडी पाक जा
एक्साइज ऑफिस जाइलु तापर आईजी ऑफिस जाइलु एंड पुलिस एसपी ऑफिस जाइलु समस्त पाके जाइगरे आपते आप कोन कोचोंते आपण जाइले ताको कोताले त माने कोन को कलेक्टर इंचार्ज जे अछन सेज दिन से कहले जे जेहेतु डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर दस जाइसन से आसले ये कथा समाधान कर देवे आई जगार भी से तर पाखे फोन कले से कहले सन्या बेले कि कल सकाल पहुँचुचे आल लोक पठाई कर समाधान कर दे कैसे तारीख से हाँ आठ दस दिन हो गला धारणा दे अन्य जगह मद दुकान खोला जाती ना मैंने सरकार नीति को आम विरोध करेतु ये जगटा स्कूल कॉलेज आईटीआई मंदिर गोटे पोखरी अच्छे इधने जुड़े गाँव रजिद है सेठे आम विरोध कर सरकार मद दुकान इठाने खोलवार लगे विरोध कर सरकार आउ जेन जगह रे खोलो ना हमर के जिया पड़ते निश्चित भाव रे बड़े जने वयस्क व्यक्ति को प्रतिक्रिया सुनुथले जे से माने खास करी एति पई विरोध करूछंती जे से अंचल रे केमिति विश्रुंखला परिस्थिति न उपजु एवं जो श्रृंखलित ढंग रे सेठाकार लोक माने बसवास करूछंती सेठी जीवन यापन करूछंती समान को ये ढांचा बदली न जाऊ सेति पई से माने ये मद दुकान को विरोध करूछंती बड़े जानबा को चाहिबा आज को जदि देखिबा धारणा 70 दिन हे गलाणी पर्यंत केही अमान को देखा कलेनी ए बाबद रे कोनोसी प्रकार पुनर्विचार करबा पई किछ निष्पत्ति नेलेनी निश्चित पके चिन्हय आ किछ वयस्क व्यक्ति को मध्य प्रतिक्रिया नेबा आज्ञा आपण जत के केते दिन एठी आसे मु तो 40 वर्ष होला एठी बसी रहै छी 18 दिन होलाणी जो दिन प्रथमे आसला मद आणिकरी पुलिस सब आसी पहुंची करी घर भितरे भर्ती करिया को लागिले आमर पिला माने छिड़ा होते से बंद कले पाटितुंड होला तेणु से फेरीगले जो 18 दिन है आ 18 दिन है आम सीनियर लोक जिते शक्तिनगर समस्त आसी आम ये बसीचु आम पाखक कौन सी लोक आसीनी आम सब अधिकारी पाखक जाइचु एवं लिखित आकार कथा पूरा स्पष्ट जे लोक माने कोन चाहूचंती कारण से माने चाहूचंती से स्थानीय अंचल रे कोनोसी असामाजिक बा अप्रीतिकर परिस्थिति न उपजु एवं जे श्रृंखलित ढंग से माने जीवन यापन करूचंती सेतिरे कोनोसी बाधा न आसु सेति पई माने विरोध करूचंती जे पर्टिकुलरली एही स्थान रे ही मद दुकान न करा जाय कोनोसी अन्य जगह रे करा जबा पई निष्पत्ति निया जाउ किंतु या भितरे गोटे सांघातिक चित्र सामना को आसुची जे रहिचंती आईआईसी सांकर एक भिडियो वर्तमान गोटे भिडियो सोशल मीडिया रे वायरल होची आउ ये भिडियो कोन जे भिडियो रे आईआईसी कथा होउछंती मद मालिक मानंकू सेमानंकू प्ररोचना देउछंती जे जेउ माने मद विरोध करूछंती मद दुकान को विरोध करूछंती सेमानंको नारे आपण थाना रे मामला दायर करंतु याकु नेकरी से माने कोन प्रतिक्रिया रखिबे जे आईआईसी कर एभली अनुकंपा काहि कि मद दुकानी मानंकू कोटना कोठी तांको पॉकेट को किछि आसीबो बोली एथि पई से एभली प्रोत्साहन देउछंती कि ये विषय में आलोचना करवा आज देखीचु गोटे भिडियो जहाँ भाइराल होती आईएससी निजे कहते जहाँ मद दुकानी सहित कथा होती आप आसतु थाना एफआईआर दिंतु ये घटना का देखु सरकारी कल बहुत लंबा एम लाडपान बेबी टाइप आग पटे अच्छे पछपटे अच्छे से चिंताधारा उपर राज्य चली शासन चली आम से अधीन अच्छे से माने जदि चाहूछंती एई टाइप रो एटा लज्जाकर कथा आमे साधारण जनसाधारण कौन कही पारिबु तेणु बेटर हम से पचारे आपण माने बुझिपारे एवं प्रत्येक कॉपी अच्छी कॉपी की पढ़िले आईटा को डिक्लेरेशन कले साधारण लोक पब्लिक जापर ये जो आईएससी फोन माध्यम कथा होती कहते जे आप भी आस आपण विरोध में निश्चित पक्ष आउ किसी अच्छे जो वयस्क प्रतिक्रिया रहा देखुचु ये गोटे जो भिडियो आज्ञा बर्तमान सर भाइराल होती आईआईसी कहते मद दुकानी को आपड़ आसिक विरोध में एफआईआर दिखते कहते
ये घटना को आप कि आई एस सी आईएससी सहित सहित संपर्क कौन रही आज्ञा मुझे आसली तीन वर्ष है आमर एटी जो शांति राम झीओ बोहू आरंभ कर प्रत्येक लोक चलुंट ये सब जिनस गुड़ाक अबकारी जिनस फिनस एगुड़ा सब आसिक आम मरीजू हईराण में आम पुनाति सब खराब हो कुबुद्धि पड़ी कि ये जो कु जिनस बिक्री हम एथेर आम लोक मैंने बहुत हईराण हो तेणु करके आम सरकार को नवेदन करमको नवृत्त करूँ ये से जिनस खोल दिंतुना ये से खोलीदे आम छुआ मैंने एकदम पूरा बाड़ुंगा बदमाश हो आम घर करपरुन तेणु सरकार को नवेदन करूँ ये धंदा बंद कर जे खास करी मद मालिक मान को उसकाउचंती ये बाबद से कौन कहवा पाई चाहिए जे आपण माने एठी 70 दिन हेलानी धारणा देछंती मद दुकान को विरोध करूछंती ए स्थान रे न होउ एठी शांति श्रृंखला बजाय रहू किंतु सेपटे आईआईसी से मानन को उसकाउचंती जे आपण जानतु जो माने विरोध करूछंती से मान को नारे थाना रे एतला दियुतु आज्ञा ए जो कथा सामना को आसी आईएससी को कथा आईएससी फोन माध्यम रे कहउचंती जे आपण भी आसंती ताकू गोटे पोषण ताकू साहस दोचंती आईएससी दुकान मालिक को ये घटना आप कि आईएससी कौन संपर्क रही कहते आईएस कहते मु गवर्नमेंट लोक गवर्नमेंट रेहेतु टेंडर रही मुझे सपोर्ट करी आओ आम पिला जो केस विषय कहते आम पिला जनक आम तो शांतिपूर्ण भाव में बसीचु गोटे पिला गोटे केस जदि हुए ताले शक्तिनगर तीन सौ घर तीन सौ टाइम नहीं एफआईआर कपी थाना देव थाना एडमिनिस्ट्रेटर बर्तमान या कौन प्रतिक्रिया आसुची बुद्धिजीवी महल रे एवं ए घटना को केमती देखुं ए बाबद आलोचना करवा मैं परवर्त समय आपख फेर आंदोलनकारी मान सहित अधिक आलोचना करवा कि बर्तमान आम सहित जोड़ी होती आईनजीवी सुधीर महांती जोड़ी होती श्रीजुक्त महांती आपको अर्गस न्यूज को स्वागत जनइबी श्रीजुक्त महांती ये जो घटना बर्तमान सामना को आसुच्छी जी बर्तमान लोक मैंने रही थे जो मैंने मद दुकान को विरोध कर आंदोलनकारी से कहवा कथा जे आम कौन से अर्थनैतिक प्रभाव पकेबा चाहूनु सरकार जो इकोनोमिक आम चाहूँ जे वास्तविक जो स्पॉट को जो स्थान को चिन्हट कर मद दुकान पर ही स्थान में न कर किसी दूर बाटर करा जाऊ कारण सेठारे शिक्षानुष्ठान रही मंदिर रही सेठारे कॉलोनी रही लोक मैंने जांच करुँचि ये मद दुकान होप्रीतिकर परिस्थित सृष्टि हो विशृंखला बढ़ी से माने दाबी करुँचर क्योंठी कराऊ कि या भितर आईआईसी जो वीडियो वर्तमान सामना को आसुच्छी आईआईसी निजे प्रोत्साहन दौंजे जो मैंने विरोध करुँचारे आप मामला दायर करूँ ये प्रश्न उठू आईआईसी मद को संपूर्ण भाव बैन बिहार भाज्य भाज्य मद टा कहीं बिक्री हो प्रथम मना कले कि दुर्भाग्य विषय मुख्यमंत्री निजे मद उपर बंच तेणु मधु को आम बात दे पारानी आम जानले मधु को जो बात दे पारानी आम सब नेक्स्ट क्वेश्चन आसुचे भाई मंदिर पाखे स्कूल पाखे बस्ती जो अच्छी महिला मैंने जावासिया कर विशेष भाव से जगह मद दुकान न खोलू बोली आम दाबी कले क्या प्रथम दाबी आम मद दुकान जमा न करू मद को बैन कर द्वितीय दाबी आम तो देखे मुख्यमंत्री निजे बुझे आउ तो बंद करहबन तेणु बर ये कनफाइन रहू आम बुझा बुझा पशु न जो मैंने मद बेपारी से मैंने यही जगह मानक बिक्री अधिका बिक्री हम क्या लोक समागम से तेणु से अफिसर इनचार्ज मान दोष भी संपूर्ण आम दे पारे क्या इंस्ट्रक्शन दिखाई जहां एरिया मद विरुद्ध आंदोलन हो तमें कौन मते जमी इंग्रेज सरकार करा बड़े बड़े कौशल पुलिस लगे दमन कर तमें जी मद दुकान जमी खोल मद जमी अधिका संख्यार बिक्री हे ये सरकार का पॉलिसी ये बाबा आईआईसी बापुड़ा कौन कर कि पैसा पाई कहीं तुम मानक न उठे सूत्र करी से बदल हो पिला छुआ द्वारा उच्छेद कहीं
ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଛତା ସିଆଡ଼େ ପବନ, ମୁଁ ୟାଙ୍କଠୁ କିଛି ମାଲ ନେବି, ମଦ ଦୋକାନଠୁ କିଛି ମାଲ ନେବି, ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିବି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏଠି ସରକାର କଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ନୁହଁ ସେଠି ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଛତୁ ଫଟିଲା ଭଳି ଗଢି ଉଠୁଛି। ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ କାହିଁ ମଦ ପିଇବେନି, ସମସ୍ତେ ମଦୁଆ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ, କାହା ଘରେ ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେନି, ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଭଳିଆ ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିବେନି, ମଦୁଆ ପଶୁଜୀବ ସବୁ ମଦ ପିଇକିରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଭୋଟ ଦଉଛେ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଇଏ କୁଡା ଭୋଗିବାକୁ ହେଲେ କିଏ ମନା କରିବ? ତ ଭୋଗିବାକୁ ଆମେ ତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତ ଡାକୁଛେ, ଆମେ ତ ଚାଉଳ ନେଇ ଭୋଟ ଦେଇଛେ ନା। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ବାଟ କୋଉଠି ଅଛି? ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଆମେ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଦିଯାଇଛି ଯେ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନଟିଏ ଗଢି ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? କେବଳ ଟଙ୍କା ନା ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି? ମଦ ଯୋଉ ଖାଇକିରି ଚଲେଇଲେ ଗାଡି କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନ କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ମଦ ବିକିଲେ ଫାଇନ, ତାଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଲେ ଫାଇନ, କଲେ ପାଇବେ ତାକୁ ତୁ ପୁଣି ଫାଇନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର, ତେଣୁ ମଦ ବିକିବାକୁ ପଇସା, ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଇସା, ସବୁଥିରେ ଫାଇନ ସରକାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଲେଉଟିଆ ପଟେଲ ସବୁବେଳେ କଟା ହବ ଆଉ ତାକୁ କଣ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଇଏ ଆମେ କଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲଦା ହେଇଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଚାଲିବ, ମଦ ପିଇବେ, ଅତ୍ୟାଚାର ହବ, ବହୁ ଝିଅ ବାହାରି ପାରିବେନି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେନି, ମଦର ପ୍ରଚାରଣ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମେ ତମେ ମଦୁଆ ହେଇଯିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବ, କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସଂଗଠିତ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି ଚାଲିଛି। ଦୋଷ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର, ଦୋଷ ସରକାରଙ୍କ ନାହିଁ। ସରକାର ତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ମୂଳରୁ, ତାଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ତା ସହିତ ଲୋକ ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆଇଏସି ର ଭୁଲ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଭୁଲ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୁଲ, କାରଣ ଚାଉଳ ନେଇ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇନି କାହାକୁ କାହିଁ କହିବା? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ତା ତାରା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଇଏସି କି ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ସେ କରିବ? ସେ ତ ପଇସା ପାଇବ, ଆରାମରେ ରହିବନି କାହିଁକି? ମଦୁଆକୁ ମଦ ବେପାରୀକି ବିରୋଧ କରିକି ମାଲକାନଗିରି ବଦଳେଇବ, ତା ଛୁଆ ପିଲା ଉଚ୍ଛ ନେବେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ହିଁ ଅନୈତିକ କାମକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ, ଏସବୁକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବନି, ଖାଲି ଏଇଭଳି ମଦ ଦୋକାନ ଗଢି ଉଠିବ? ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଭୋଟ ଅଛି, ଭୋଟ ଅଛି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଭୋଟ ଅଛି, ଗଲା କାମ ଦେଉଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଲୁ, ଚାକିରିରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ମଦ ଫଦ କୋଉଠି କାହାରି କେହି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଚାଉଳ ମୋର 50 କିଲୋ ଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା 50 କିଲୋ ପୁଣି ନେଲେ, ମୋ ଘରେ 3 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଭୋଟ ଦେଲି ନବୀନ ବୁଝି ନେଲା, ଆଉ ନବୀନ ବାହାରିବ କେମିତି? ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ମାଲ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଦାୟ ଯିଏ ବାଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଞ୍ଚେ କୁକୁର ହେଇଗଲେ ଖାଲି ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବାଟ ସାରା ଲାଗୁଛି କଥା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ, ଯାହା ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ, କେଉଁଠୁ କର ଅଧିକ ଆସିବ, ଇଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବା ଯେଉଁଠି ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା, ମଳୟଭୟ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମଳୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକୁ 17 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେପଟେ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ କିଛି ଅଲଗା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ବଦଳାନ୍ତି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ବଦଳାଏ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ? ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏମାନଙ୍କର ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଇଏସି ନିଜେ
प्रोत्साहन दौरान दुकान मालिक को जे दुकान खोलने ताको विरोध में एफआईआर देवाई पचारि बुझा ये देखु पाखापाखि 18 दिन आप वरिष्ठ नागरिक मैंने आंदोलन कर धारणा देखते कितु अंपट देखु आईएससी निजे कहते दुकान मालिक को आपण विरोध में एफआईआर देवाई ये कहीं आईएससी एभली काम कर मद मालिक आईएससी मधुचंद्रिकार सब जिनस चली जोटा कि दीर्घ 18 दिन है आम जाना थाना एफआईआर देचु आरडीसी कलेक्टर एसपी डीआईजी समस्त को विषय जनईचु ता सत्वे स्थानांतरित कौन प्रकार पदक्षेप नहीं नदी या विरोध में कौन प्रकार पदक्षेप न नि जाए ये जो आंदोलन चली आहरी तीव्र कर स्पष्ट कर गोटे दाबी रखु स्पष्ट कर कहीं आईआईसी मद दुकान सहित एत संपर्क रोचे आउ कि वयस्क व्यक्ति प्रतिक्रिया ना जो अच्छा देखुवे ये पाखापाखि 18 दिन एम बस आज्ञा कौन कहे आपड़ 18 दिन बस धारणा देखते किंतु आईएससी को वीडियो जहाँ बयान करे निजे दुकानी कौन आपण विरोध में एफआईआर ना से विरोध मुझे कही पारि पूरा देखने बोल कर कितु शुणा पाऊँ से जी से आम बेजर देखते बोले कौन कही आगामी दिन में कौन पदक्षेप आम तो यही आंदोलन चलती मद दुकान जंगल खोले भी चलो कहीं खोल कौन दरकार कौन मद दुकान जंगल भी खोलते 11 नंबर जंगल भी बहुत अच्छे रेसीडेंशियल एरिया कहीं खोल सर कौन कहे आप देखु आउ कि लोक प्रतिक्रिया नाजे पाखापाखि 18 दिन हम आज्ञा कौन कहे आम एटा विरोध जारी रखीचु जपर्यंत ये आम स्थान रु जो लोकेशन आम आम विरोध जारी रखी लोकेशन मानते अन्य जगह स्थानातर बाकी आम अगर कौन प्रकार ये मतभेद नहीं जगह आमर ये पब्लिक जाऊँच छोट छुआ जाऊँच सब मंदिर देखते पाखे मंदिर अच्छी प्लेग्राउंड अच्छी पोखरी गोटे अच्छी आम के कर लोक ये मद बिकवे ये छोट स्त्री लेडीज मैंने जाऊँ मंदिर को यहाँ कौन गोटे तमसा रखुचा से आईएससी दुकान मालिक कहते आपण विरोध में एफआईआर देखा करूँ एफआईआर करूँ आम से एफआईआर एफआईआर सर दरज करूँ आम से आम स्वागत करुचु किंतु आम जपर्यंत यहाँ लोकेशन टा चेंज रहब आम ये आम धारणा जारी रहा चिन्ह देखुले जहाँ वरिष्ठ नागरिक प्रतिक्रिया नौला सीधा सल कहते से आईएससी कहतु एफआईआर कौन से फरक पड़े नहीं मैंने दीर्घ जिते बी जगार मद दुकान न हटाई स्थापन न करेंगे से दिन पर्यंत धारणा देते हैं बर्तमान समय जहाँ प्रतिक्रिया मिलूँ अंपटे अनेक समय देखा जाए जो जो कौन आंदोलन को लेकिन लोक मैंने रास्ता को आसती धारणा बसती सेठी राज्य सरकार सब बड़े गोटे पंथा अपनई जो पुलिस प्रशासन लगे एवं लोक हटाई देते जो एभली किसी चित्र आसला देखूँ आज मतलब जहाँ खबर मिलूला आज पुलिस प्रशासन फोर्स आसो एठू जोर जबरदस्ती मद दुकान खोल जाए जहाँ सूचना मिलूला ये नहीं पचारा जो अच्छा वरिष्ठ नागरिक मानक पचार अज्ञा जहाँ खबर मिलूला जे आज पुलिस एठ आसिक दुकान खोलने चेस्टा कर जहाँ पुलिस जहाँ जना पड़ा आज दुकान खोल हाँ से कहते फोर्स बोली दुकान खोल आम जनसाधारण कि ये ना आम से आज 18 दिन हो गला आम टोटाल शांति सहित ये बसीचु एवं से कौन खोल से आसला जना पड़ो हटागला धारण कमी कर आमको हटा दे आम ये शांति शुणा सहित विरोध कर कौन सी प्रकार एक्टिविटी मैंने ल को एग्नेज कर कौन सी एक्टिविटी करूँ ना पुलिस को जो कथबार्ता पुलिस जो भाई दुकानी को कहते हैं एफआईआर देवाई ये घटना को आपको लगुच शांति भाव ये समाधान हो पार समाधान हो पार ना कहीं आम जेहेतु कलेक्टर को आम जो अभियोग कर आज्ञा आसवे ये कर चिन्ह भाई देखुले जहाँ प्रतिक्रिया नौले जैसे एठू बसी पुलिस आसु दुकान खोलू कि दुकान खोलिए लोक देखिए बोले बर्तमान समय जहाँ कहते अंपटे देखा जे पुलिस जिते बेले आईएससी कहते यहाँ विरोध में एफआईआर देवाई ये कौटी ना कौटी जिते बेले पुलिस और दुकान मालिक सहित कौन संपर्क थी ये कथार पूरापूरी स्पष्ट जना पड़ी अंपटे जिते बेले दीर्घ 18 दिन हम ये वरिष्ठ नागरिक मैंने मद दुकान को अन्य स्थान स्थानांतर करने विरोध करते यहाँ कथा के शुणी गोटेपटे जिलापाल कहे तुरंत कार्यक्षम होस्ट नि पदक्षेप
नहीं कि पाखापाखि अठर दिन होगा या कथा के शुणिले जहाँफल पाखापाखि अठर दिन हो जो मद दुकान खोल जावा कथा ताम्मुखने धारा देखते अंपटे जो पुलिस आईआईसी जो भिड भाइराल होती ये भिड पूरापूरी कौटी ना कौटी स्पष्ट करती आईआईसी और जो दुकान मालिक सहित संपर्क कौन रही कहीं से स्पष्ट कौटी ना कौटी पीसी कारबार करा जाउछ कारण आईआईसी टंका लोभ रही है ए बाबद किसी जदि पकेट को आसुच्छे से उकाउंट जे तुम्हें माने जो माने विरोध करारे अभियोग आण कितु कथ आसूँ अंत तो सरकार एक हृदयंगम करूँ जिला प्रशासन एक हृदयंगम करूँ कि जो स्थान में मद दुकान गढ़ी उठा जाठार अनेक लोक जीवन नष्ट जो कि आज बुद्धिजीवी मैंने बस शांति श्रृंखलित ढंग से प्रतिवाद करुंजे मद दुकान को अंत्र को स्थानातर कर मद दुकान खोल जाऊ किंतु सही स्थान रे नुहे कारण अनेक मंदिर रही शिक्षानुष्ठान रही जनबसती जीवा आसवा पूरा लागी रही या भितर लोक मानते कौन कुप्रभाव न पकाऊ बहुत बहुत धन्यवाद मलय आपंकर तमाम सूचना ए बाबद मलय भई आम संबलपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते हैं और जो मैंने गणधारणा बस सहित आलोचना करुते समय सूची न्यूज रूम को यही रखु नमस्कार।